हेलो एवरीवन। सो ये मॉक सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, सेकंड मॉक है जो हम आज सॉल्व करेंगे। एंड ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन है। ऑल्दो इस टेस्ट में थोड़े इश्यूज़ हैं, सारे फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने नहीं दिए यहाँ पे, विच इज़ समथिंग आई डोंट नो वाई यू नो दे डिड इट, बट इट्स ऑल राइट। हमें लॉजिक जब तक समझ आ जाए एंड वी अंडरस्टैंड हाउ द NTA थिंग फंक्शंस, NTA कैसे अपने एग्जाम होल्ड करता है, कैसा आपको दिखेगा, सो तब तक इट्स फाइन। ओके, सो पहला मॉक मैं करा चुकी हूँ, दूसरा मॉक भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ आप ऑफिस प्रोसीजर्स वाले वीडियोस देख लीजिएगा, नोटिंग ड्राफ्टिंग देख लीजिएगा, एंड यू विल बी कवर्ड, मोर और लेस यू विल बी कवर्ड। सिचुएशन टेस्ट भी हो गया है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली ट्रिक जो कॉम्प्रिहेंशन में रहती है वो ये रहती है कि एक बार ब्लैंक्स के साथ आप पूरा पैराग्राफ पढ़ ज़रूर लिया करिए, ताकि आपको एक सेंस मिल जाए कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी बिगिन आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट इंडियन बिजनेसमैन टू रिकग्नाइज द डैश सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। अब मैं पूरा नहीं पढ़ रही क्योंकि आई हैव ऑलरेडी रेड इट, सॉल्वड इट, एंड मैं आपका टाइम बचाना चाह रही हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़िए ताकि आप समझें कि कैसे मैंने सॉल्व किए हैं। सो ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट इंडियन बिजनेस मैन टू रिकग्नाइज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, ओके, एंड डिस्कवर द वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। अब अनटैप्ड ही क्यों आएगा, अक्यूमुलेटेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वेन यू डिस्कवर समथिंग वो तब तक फिर किसी और ने डिस्कवर नहीं की होती है, तो मतलब इट्स अनटैप्ड एंड देन यू टैप इट। ओके, टैप करने का मतलब यूटिलाइज करना। नाउ व्हेन यू टैप इट व्हाट डू यू डू देन, एंड टू चैनलाइज इट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ऐसे आप देखिए, ऐसे एकदम बैठता चला आ रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या 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 कैसे 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 करेगा, एंड इसीलिए बाकी ऑप्शंस फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज करना है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है एंड वो क्यों वहाँ स्पेसिफिकली वही वाले यूज हो रहे हैं। ही वॉज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट दैट फाइनेंस वुड नेवर बी अ कंस्ट्रेंट इन एग्जीक्यूटिंग हिज प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, जैसे इसके जो भी ऑप्शंस थे वो हमें पहले विजिबल नहीं थे, कोई बात नहीं, आप कुछ भी सिलेक्ट करिए एंड आप वापस जाके देखिए कि दोनों चीज़ें बैठ रही हैं कि नहीं। आपको NTA ये पूरी छूट देता है, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट यू कैन ऑलवेज गो बैक, रीविजिट द क्वेश्चन, सिलेक्ट देम अगेन एंड अगेन, तो वो दिक्कत कभी नहीं आने वाली है आपको। नेक्स्ट, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हो गया हमारा, कंस्ट्रेंट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया और ये आगे बढ़ गए, बट कोई बात नहीं, जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया उसकी वजह से हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा है एक क्वेश्चन पेपर की तरफ के लिए, एंड उसके लिए भी हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उतने सॉल्व कर लेंगे यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक हैज़ टू बी फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो सोर्सेज इंडिकेटेड दैट अ प्रिलिमिनरी डायलॉग टू रिजॉल्व द इशू वॉज हेल्ड एंड मोर टॉक्स वर नॉट रूल्ड आउट। वॉज क्यों आएगा, प्रिलिमिनरी डायलॉग जो है वो सिंगुलर है, तो वॉज और पास्ट टेंस है क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है। इसलिए द अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफिसेज विद इंटरनेट दैट हैज़ रिमेन्ड ब्लॉक्ड फॉर 108 डेज। गिव गिफ्ट अवॉइड नहीं आएगा, प्रोवाइड आएगा। अगेन डायरेक्टिव चेंज हो गया, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। किसको आप इंटरचेंज करके सब्सटीट्यूट करके यहाँ लगा सकते हैं। सो अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, उसे हम एमिनेंट कहते हैं। ऑब्सक्योर वो होता है जो छुपा होता है, डिस्पोटिक नेगेटिव वर्ड है, इम्पेरेटिव ना, वाइटल इंपॉर्टेंस। देखिए ये सारे मीनिंग आपको यहाँ दिख रहे हैं कि क्यों नहीं ये आएगा। ओके, That which cannot be corrected, incorrigible, जो कि correct ना हो पाए। अब देखिए बाकी भी आपको पूरे meanings यहाँ पर provided हैं, तो आप देख सकते हैं कि वही क्यों है main। In the following questions again, the alternative for the given word, a person who is blamed for the wrongdoings of others, scapegoat, बकरा हलाल होता है ना, तो उसको उसका meaning क्या है कि गलती आपकी नहीं है लेकिन नाम आपका लगा, मतलब आप scapegoat हुए हैं। If we, अच्छा, identify the segment in the sentence which has the grammatical error. Again, directive change हो गया, तो इसको बराबर हमको check करना है। If you had seen yesterday's basketball match, I'm sure you will have enjoyed watching your point guard. You will have, tense की गलती है, इसीलिए ये section में गलती आई है। ये देखिए यहाँ पे solution भी इन्होंने दिया हुआ है, वो डालना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये past में गया है।
As the class was about to start, he insisted to ask full details. Again, insisted on होता है and यहाँ पर tense की भी गलती है. Okay? So insisted to ask नहीं, insisted on asking आना चाहिए था. The alarm report of tsunami frightened everyone. यहाँ पे ही गलती है क्योंकि frightened everyone in the coastal region of Tamil Nadu में कोई problem नहीं है. Alarming होना चाहिए था ना कि alarm. Okay? Select the most appropriate option to substitute the segment in bold. If there's no improvement, then you have to select no improvement. ठीक है. Poor child's aching legs gave way and he almost fell in the fair. Gave way होता है phrasal verb. अब again, the directive has changed. Select the most appropriate option to substitute the segment in bold in the given sentence. No improvement, तो no improvement select करना है. However, this government falls, I don't see any great change happening. No. Even if this government falls, I don't see any great change happening. ठीक है? Again, यहाँ पे आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि why that's the answer. Select the antonym of the given word. Perverse. इसका उल्टा होता है reasonable. जो बात सुन ले, ऊट पटांग बातें ना करे. क्वर्क, फॉइबल. ओके, नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है. तो जो क्वर्क होता है वही मीनिंग फॉइबल का भी थोड़ा डिफरेंट होता है. कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट किसी के बिहेवियर का जो कि स्टैंड आउट करे. अच्छा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमको चूज करना है. वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो दीज वंस आर वेरी गुड. बहुत ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ स्कोर करने के. सो करेक्ट स्पेलिंग ही पता होनी चाहिए आपको. यहाँ पे कंसेंसस की ये स्पेलिंग होती है. अगेन प्रेसिडेंट की ये स्पेलिंग आती है यहाँ पे जो सिलेक्टेड है ग्रीन में. कैस्टिगेटेड की भी दिस इज द स्पेलिंग. अच्छा, अभी आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स. दीज आर ऑल्सो गुड वंस बिकॉज यहाँ पे टेंस हो जाता है, गलत गलत फ्रेजेस यूज कर लेते हैं. द सेकेंड बीविल्डरिंग चेंज दैट आई ऑब्जर्व इन हिम नाउ डेज इज दैट ही अवॉइड्स टू मीट पीपल. इज दैट ही अवॉइड्स मीटिंग पीपल आना चाहिए ना. तो यहाँ पे ही गलती है. यहाँ क्या है, स्टेटिस्टिक्स शोज. ये भी प्लूरल और ये सिंगुलर का आ गया. तो यहाँ पे सिर्फ शो होना चाहिए था. ठीक है. फोर मेंबर्स ऑफ अ मुस्लिम फैमिली आर इंजर्ड व्हेन अ मॉब ऑफ अराउंड दिस डिजीज अटैक्ड देम. तो यहाँ पास्ट है बट यहाँ पे आर आ गया तो यहाँ पे गलती आएगी. ओके, इट्स टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रनिंग योर ओन कैटल फार्म. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जब मैंने बार्क का पेपर सॉल्व किया था तब मैंने लॉजिक दिया था कि भाई यहाँ पे पास्ट क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको पहले करना चाहिए था. लेकिन जब भी ये मेंशन होता है ना, इट्स टाइम, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कुछ करना था, नहीं किया तो अब करना शुरू कर दो. इट्स टाइम वी सेड गुड बाय, ये क्वेश्चन था बाक में. तो इसीलिए इट्स टाइम यू स्टार्टेड थिंकिंग आना चाहिए यहाँ. एंड फाइनली यहाँ पे क्या करना है, विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वर्ड यहाँ पे आपको फिल कर देना है. ठीक है. रॉन्ग डिटेल्स रिसीव्ड ट्वाइस बाय द अथॉरिटीज हैव डिलेड द रिलीज ऑफ अ वुमन. कॉन्टेक्स्ट जब तक आप सेंटेंस पूरा पढ़ के नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ड यूज करना है, क्योंकि मोर देन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा जरूरी है इन वर्ड्स के मीनिंग के लिए, मीनिंग से ज़्यादा. एडवांस्ड, एक्सपीडाइटेड, भाई हमको नहीं फर्क पड़ता इनका मतलब क्या है. वॉट वी नीड टू रियलाइज इज यहाँ पे क्वेश्चन ही क्या मांग रहा है. ओके, सो अगेन 25 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर दिए हैं. पिछले मॉक में मैंने पूरा आपको दिखाया था कि हाउ द NTA एग्जाम फंक्शंस. तो आई थिंक अगर आप दो भी प्रैक्टिस कर लें, मैं और बना सकती हूँ बट मुझे लगता है ऑफिस प्रोसीजर्स की ही दो तीन वीडियोस के साथ आपको इतना सब कुछ जल्दी जल्दी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो वी विल एंड हियर विद द मॉक्स. बट अगेन अगर आपको और मॉक्स चाहिए तो मैं आपके लिए बना के रख चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल उन्हें यू नो रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करके आपके तरफ भेज सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ. बट यू विल हैव टू लेट मी नो अबाउट इट. तब तक के लिए आई लव यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. सारा कंटेंट आपके पास अब है जितना भी मैं ढूंढ सकती थी. आप प्लीज़ उसको फॉलो करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से टेंशन फ्री होके देके आएँ. अगेन इफ़ यू वॉन्ट अ लाइव यू नो सेशन डू लेट मी नो. एग्ज़ाम के पहले हम
आई थिंक 16 को एग्ज़ाम है, 16 को मेरा बर्थडे है, तो मैं 15 को लाइव सेशन बड़े आराम से ले लूँगी, 16 को भी कर लूँगी, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा उसके पहले, और मैं आपके लिए वो अरेंज कर दूँगी। सी यू सून, बाय बाय।